Hey guys, welcome back to my channel Azad Ka Tour. Guys, in this video I will be showing you कि हम 10 head crow की कैसे बना सकते हैं. Especially beginners के लिए है ये video. Using pencil and scale, you can easily draw this figure. So let's start. So guys, firstly हम एक vertical line लगा लेंगे 10 inches की, और आप अपनी शीट को डिवाइड करके इक्वली डिवाइड करके 10 इंचेस की लाइन लगा सकते हैं. साथ ही हम एक एक इंच जो है उसको प्रॉपरली मार्क कर लेंगे. आप चाहें तो 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं, चाहे तो सिर्फ लाइंस लगा सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू मार्क दीज 10 इंचेस, और मैं सिर्फ लाइंस लगा के मार्क करूँगी 10 इंचेस को. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. आप चाहे तो नंबर्स भी लिख सकते हैं, चाहे तो सिर्फ डॉट्स लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है. अब गाइस, एक एक मेजरमेंट को वो ध्यान से नोट कर लीजिएगा. सो फर्स्ट इंच जो हमारा होता है दैट इज़ फॉर हेड. 1.5 inch पे हम बनाते हैं हमारी शोल्डर की लाइन. सो 1 inch इज़ फॉर दी हेड, एंड 1.5 inch पे शोल्डर लाइन बनाएंगे. अब साथ के साथ हमने विड्थ की मेजरमेंट्स भी मार्क करनी है. अब हमारा जो हेड है उसकी टोटल विड्थ होती है हमारी 3/4 of an inch. सो हम वन साइड पे मार्क करेंगे 3/8 of an inch, और दूसरी साइड पे मार्क करेंगे 3/8 of an inch. टोटल विड्थ हमारी हो गई 3/4 of an inch. अगर मैं आपको सिंगल सिंगल लाइन के अकॉर्डिंग बताऊं, जैसे एक इंच के बीच में जो सिंगल सिंगल लाइंस हैं, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, तो आप एक साइड पर मार्क करेंगे 6th लाइन पर. अगर मैं सिंगल सिंगल लाइन काउंट करके बताऊं, तो आप एक साइड पे मार्क करोगे 6th लाइन पे, और नेक्स्ट साइड पे भी आप ऐसे ही मार्क करोगे 6th लाइन पे. सो आप सिंगल सिंगल लाइंस के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं 6th पॉइंट वन साइड एंड 6th पॉइंट ऑन अदर साइड. अदरवाइज आप 3/8 of an inch वन साइड पे मार्क कर सकते हैं, और 3/8 of an inch दूसरी साइड पे मार्क कर लेंगे. सो हमारे हेड की टोटल विड्थ हो गई 3/4 of an inch. सो हमारे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया, एक वर्टिकल रेक्टेंगल. एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं आपको, हेड की जो हमने लेंथ ली है दैट इज़ 1 inch, हमेशा 1 inch होती है, और जो विड्थ ली है टोटल विड्थ इज 3/4 of an inch. टोटल विड्थ है 3/4 of an inch, वन साइड की विड्थ हमने ले ली 3/8 of an inch, एंड अदर साइड की विड्थ भी हमने ले ली 3/8 of an inch. अब नीचे आते हैं. सो 1.5 inch पे हमने शोल्डर लाइन मार्क करी है. अब शोल्डर लाइन की जो टोटल विड्थ होती है दैट इज़ 1.5 inch. टोटल विड्थ मैं बता रही हूँ आपको. सो हम इसकी वन साइड की विड्थ लेंगे 3/4 of an inch. सो 3/4 of an inch हम वन साइड की विड्थ लेंगे, और 3/4 of an inch हम अदर साइड पे मार्क कर लेंगे, और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे. सो ये हमारी शोल्डर लाइन आ गई. अब शोल्डर लाइन से नीचे आना है हमें 3rd inch पे और 4th inch पे. जो स्टार्टिंग में हमने 1, 2, 3, 4 inches लगाए थे, उसमें से हम काउंट करके 4th inch पे आएंगे. 4th inch पे बनती है हमारी हिप लाइन. हिप लाइन की जो विड्थ होती है दैट इज़ इक्वल टू दी शोल्डर लाइन. ये आप कहीं पे लिख भी सकते हैं. सो वन साइड पे हम 3/4 inch मार्क कर लेंगे, और दूसरी साइड पे भी हम 3/4 inch मार्क कर लेंगे. सो हिप लाइन की भी टोटल विड्थ हो गई 1.5 inch. शोल्डर लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू हिप लाइन. और शोल्डर लाइन से जो नीचे एक पॉइंट हमारा आ रहा है दैट इज़ 3rd inch. 3rd inch पे जो हमारा पॉइंट आ रहा है, सो इस पे हम वेस्ट लाइन मार्क करेंगे. वेस्ट लाइन की टोटल विड्थ होती है 1 inches. सो वन साइड पे हम मार्क कर लेंगे 1/2 inch का पॉइंट,
एंड सेकेंड साइड भी, दूसरी साइड भी हम मार्क कर लेंगे हाफ इंच का पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। सो 1 inches हमारी टोटल विड्थ आ गई। सो हमारे पास 3 lines आ गई, शोल्डर लाइन, वेस्ट लाइन एंड हिप लाइन। शोल्डर लाइन जो है उसकी 1 side की विड्थ है 3/4 inch। सो 1 side की विड्थ, ये ध्यान रखना, 1 side की विड्थ है 3/4 inch, हिप लाइन की भी 1 side की विड्थ है 3/4 inch। दोनों की टोटल विड्थ अगर मैं बताऊं तो है 1.5 inches। और जो हमारी वेस्ट लाइन है उसकी टोटल विड्थ है 1 inch। सो 1 side की विड्थ हो गई 1/2 inch, दूसरी साइड की विड्थ हो गई 1/2 inch। अब वेस्ट लाइन से हिप लाइन का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 inch। सो इसीलिए हम वेस्ट लाइन की जो विड्थ भी लेते हैं वो हम 1 inch ही लेते हैं। ये भी आप लोग चाहें तो कहीं पे नोट कर सकते हैं कि वेस्ट से हिप हमारा जितना डिस्टेंस है उतनी ही वेस्ट की विड्थ होती है। अब हम बाहर के पॉइंट्स को मिला देंगे। सो पहले वी बना लेंगे, शोल्डर लाइन को वेस्ट लाइन से मिला लेंगे, फिर हम ए बना लेंगे, वेस्ट लाइन को हिप लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। सो बेसिकली हमारा जो टॉर्सो है वो कंप्लीट हो गया। सो अब हम लेग्स पे आते हैं, लेग्स बनानी स्टार्ट करते हैं। अब हमें हिप लाइन से नीचे एक पॉइंट मार्क करना है 1/2 inch पे। सो 1/2 inch पे एक पॉइंट मार्क किया और अब हम ऊपर से नीचे काउंट करते आएंगे 7th inch पे, जो हमने स्टार्टिंग में सारे इंचेस लगाए थे उनके अकॉर्डिंग 7th inch जो हमारा है उस पे जो हमने पॉइंट मार्क किया है उसको भी हाईलाइट कर लेंगे। सो तभी मैं कह रही थी आप स्टार्टिंग में नंबर्स के साथ इंचेस लिख सकते हैं। सो हमने हिप लाइन से नीचे पॉइंट मार्क किया 1/2 inch और एक हमने पॉइंट मार्क किया 7th inch पे। अब जो हमारा 7th inch का पॉइंट है उससे ऊपर आएंगे 1/2 inch। सो इसको भी हम मार्क कर लेंगे। सबसे पहले हम नीचे आए 1/2 inch पे, हमने एक पॉइंट मार्क किया, हिप लाइन से नीचे आए 1/2 inch पे हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया और फिर हमने 7th inch पे एक पॉइंट मार्क किया और उससे ऊपर आए 1/2 inch। सो ये भी हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया। ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमें आगे काम आएंगे इसीलिए मैं मार्क करवा रही हूँ। अब गाइस 7th inch वाला पॉइंट जो है वो आप इरेज कर दीजिए, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और बाकी भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं सबको इरेज कर देते हैं, हमें बेसिकली सिर्फ 1/2 inch वाला पॉइंट चाहिए। सो हिप लाइन से नीचे आएंगे 1/2 inch और उससे नीचे आएंगे 2 inches, जो हमने 7th inch से ऊपर 1/2 inch का पॉइंट मार्क किया था हमें उसकी ज़रूरत है। अब इस पॉइंट से हमने ऊपर मार्क करना है 1/4 inch और नीचे मार्क करना है 1/4 inch। सो ऊपर नीचे दोनों साइड पे हम 1/4 inch का डिस्टेंस लेके मार्क कर लेंगे। ये बेसिकली हम इसके अराउंड अपने नीज बनाएंगे, सो ये हमें हेल्प करेंगे। अब सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है जहाँ पे 3 points इकट्ठे हो गए उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है उससे हम बाहर आएंगे 1/4 inch दोनों साइड्स पे। सो दोनों साइड्स पे हम 1/4 inch का पॉइंट लगा लेंगे। सिमिलरली जो थर्ड पॉइंट है उससे हमें बाहर आना है 1/2 centimeter। सो इसमें ध्यान रखना जो फर्स्ट पॉइंट है उससे हम बाहर आए 1/4 inch और थर्ड पॉइंट से हम बाहर आए 1/2 centimeter दोनों साइड्स पे। अब जो फर्स्ट पॉइंट है उससे हमें और बाहर को आना है 1 centimeter बोथ दी साइड्स। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है जिसे हम बाहर आए थे 1/2 centimeter उससे हमें और बाहर को आना है 1/2 inch दोनों साइड्स पे। 1/2 inch हमें और बाहर को आना है। अब हमें बाहर का पॉइंट, बाहर वाले पॉइंट से मार्क करना है और जो 1/2 inch का पॉइंट है जो हमने क्रॉच एरिया मार्क किया है उसको अंदर वाले पॉइंट से मार्क करना है। अब ध्यान से देखना मैं कैसे मार्क कर रही हूँ। सो इसमें भी सबसे पहले हमारा V बनेगा,
सो बाहर की लाइन मैंने बाहर वाले पॉइंट से मार्क करी, फिर जो हाफ इंच का पॉइंट है हमारा क्रॉच एरिया है उसको हम अंदर वाले पॉइंट से मार्क करेंगे। सबसे पहले हम वी बनाएंगे, आप देख रहे हैं वी बन चुका है। अब उसके बाद हमें इनको नीचे वाले पॉइंट से मार्क करना है, सो ये हमारा ए बन जाएगा। पहले हमने वी बनाया फिर हम ए बनाएंगे। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करेंगे, पहले हम वी बनाएंगे और उसके बाद ए बनाएंगे। गाइज अगर आप साथ के साथ सारी मेजरमेंट्स मार्क करते करते वीडियो को देखते देखते ड्रॉ करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर वैसे आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मैसेज कर सकते हैं। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, सो नीचे जो हमारा 10 इंचेस वाला पॉइंट है जहाँ पे हमने लास्ट पॉइंट मार्क किया था 10 इंचेस का, उससे हम ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। सो लास्ट में जो हमने 10 इंचेस का जो पॉइंट मार्क किया था जहाँ पे हमारी क्रोकी की लेंथ ख़त्म हो जाएगी, उससे ऊपर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे 1/4 of an inch। सिर्फ ऊपर मार्क करना है 1/4 of an inch। और इस 1/4 of an inch से ऊपर हम 2 cm पे एक पॉइंट मार्क करेंगे जो हमारा ऑलरेडी मार्क्ड है। बाकी के पॉइंट्स इरेज कर लेते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने बनानी है फीट। सो हमारी थाइस बन चुकी हैं, हमारे नीज़ बन चुके हैं, अब हमने फीट बनानी है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने जो हमारा 9th inch वाला पॉइंट है, अगर आप देखें 9th inch वाला पॉइंट, उससे बाहर आना है हमें 1/4 inch दोनों साइड्स पे। सो जो 9th inch वाला पॉइंट है, सेकेंड लास्ट इंच जो हमने मार्क किया है पूरी 10 inches की क्रूकी में, जो 9th inch का पॉइंट मार्क किया है, उससे बाहर आए दोनों साइड्स पे 1/4 of an inch 1/4 of an inch, दो बार बाहर आए। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है उससे हमें बाहर आना है 1/4 of an inch 1/4 of an inch दोनों साइड्स पे। सो ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये हमें दो बार रिपीट करने हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है, सेकेंड लास्ट पॉइंट है बेसिकली 10 inches से ऊपर हमने 1/4 inch मार्क किया था, उससे हम बाहर आएंगे। पहले हम आएंगे 1/8 of an inch दोनों साइड्स पे और फिर हम उससे बाहर आ जाएंगे 1/2 inches। सो इसमें पहले हम बाहर आए 1/8 of an inch, फिर हम और बाहर आए 1/2 inch। सो गाइज पहले हमने मार्क किया 1/4 of an inch 1/4 of an inch जो हमारा थर्ड लास्ट पॉइंट है उस पर, फिर लास्ट पॉइंट पे भी हमने सेम मार्क किया 1/4 of an inch 1/4 of an inch दोनों साइड्स पे। जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है उससे हम पहले बाहर आए 1/8 of an inch और उससे और बाहर आए 1/2 inches। अब अगेन हम ज्वाइन करेंगे, पहले वी बनाएंगे फिर ए बनाएंगे फिर वी बनाएंगे। सो बाहर वाले पॉइंट्स को बाहर वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, अंदर के पॉइंट्स को अंदर वाले पॉइंट से ज्वाइन करना है। मैं आपको रफ में बना के दिखा देती हूँ, पहले वी बनाएंगे फिर ए बनाएंगे फिर वी बनाएंगे, तो उससे हमारी जो फीट है वो रेडी हो जाएगी। सो मैं पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हूँ और आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे ज्वाइन कर रही हूँ सभी पॉइंट्स को। सो ये मैंने ए बना दिया, पहले मैंने वी बनाया था, फिर से हम नीचे वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो वी है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सिमिलरली दूसरी साइड पे भी हम सारे पॉइंट्स जो हैं उनको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। पहले वी बनाया फिर ए बनाएंगे और फिर दोबारा वी बनाएंगे। सो अगेन मैं आपको कह रही हूँ, आप वीडियो को देखते देखते साथ के साथ क्रोकी बनाएंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। एंड दिस वीडियो स्पेशली फॉर बिगिनर्स, अगर जो लोग फ्री हैंड क्रोकी नहीं ड्रॉ कर सकते वो मेजरमेंट्स के साथ ड्रॉ करना तो आपको ईजी हो जाएगा 10 head क्रोकी ड्रॉ करना। सो हमारी जो फीट है लेग्स हैं दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड,
और हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्रोकी का वो स्टैंड हो चुका है। नेक हमारा रह गया है, नेक भी मार्क कर लेते हैं। तो जो हमारा 1.5 इंच पे शोल्डर लाइन बनाई है उससे हमें बाहर आना है 1/2 सेंटीमीटर एंड 1/2 सेंटीमीटर, दोनों साइड्स पे 1/2 सेंटीमीटर हम मार्क कर लेंगे। सो हमारे नेक की जो टोटल विड्थ हो गई वो हो गई 1 सेंटीमीटर। टोटल विड्थ 1 सेंटीमीटर है, अगर 1/2 में बताऊँ तो 1/2 सेंटीमीटर ऑन वन साइड एंड 1/2 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड। अब हमारी रहती है आर्म्स, तो हम आर्म्स भी बना लेते हैं। बाकी स्ट्रक्चर हमारा क्रोकी का डन है, आर्म्स रह गई हैं। सो सबसे पहले शोल्डर पॉइंट से हम मार्क करेंगे, डायगनल जो लाइन जा रही है उस पर मार्क करना है हमें, जो स्लांटिंग लाइन जा रही है उस पर 2 सेंटीमीटर का पॉइंट मार्क करेंगे, और इससे नीचे आएंगे एक पॉइंट हम 1.5 सेंटीमीटर पर मार्क करेंगे। सिमिलरली जो दूसरा कॉर्नर है शोल्डर लाइन का उस पर भी हम ऐसे ही मार्क करेंगे। सबसे पहले हम 2 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट मार्क करेंगे और उसके बाद हम 1.5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। जो हमने 2 सेंटीमीटर का पॉइंट मार्क किया है ये हमारा आर्म होल हो जाएगा। अब हमने जो 1.5 सेंटीमीटर का पॉइंट मार्क किया है उससे हमें बाहर की तरफ आना है 1/4 of an inch एंड अगेन 1/4 of an inch। सो दो बार 1/4 of an inch हमें बाहर की तरफ आना है दोनों साइड्स पे। सो पहले 1/4 inch आए, उसके बाद फिर 1/4 inch आए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है उसको हमें अंदर के पॉइंट से ज्वाइन करना है, और जो कॉर्नर वाला पॉइंट है उसको हमें बाहर के पॉइंट से ज्वाइन करना है। सो ये आप ध्यान से देख लीजिए कि मैं कैसे पॉइंट्स को मार्क कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ। सो गाइज ये हमारी अपर आर्म हो गई। अब फिर से नीचे आते हैं, नीचे लोअर आर्म मार्क करने के लिए हमारी जो हिप लाइन है आप देख सकते हैं, जो हमने हिप लाइन मार्क करी थी उससे नीचे आएंगे एक पॉइंट मार्क करेंगे 1/4 of an inch, दोनों साइड्स पे मार्क कर लेंगे। जो हिप लाइन है उससे हमने मार्क करना है, नीचे आना है 1/4 of an inch दोनों साइड्स पे, और इनसे फिर हमें बाहर की तरफ आना है 1/4 of inch एंड अगेन 1/4 of inch, 2 times फिर बाहर की तरफ आएंगे। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करेंगे 1/4 of an inch एंड 1/4 of an inch दोनों साइड्स पे हम मार्क कर लेंगे। अब हमने बाहर की लाइन को बाहर से ज्वाइन कर देना है, अंदर की लाइन को अंदर के पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। सो ये आप ध्यान से देखना कि मैंने कैसे ज्वाइन किया है। सो बाहर के पॉइंट को बाहर के पॉइंट से, अंदर के पॉइंट को अंदर के पॉइंट से, जैसे हम छोटे बच्चे को डॉट्स लगा के देते हैं और वो डॉट्स कनेक्ट करके ए बी सी डी लिखना सीखता है, इसमें भी सेम वही काम है। आपको डॉट्स लगानी है और उन डॉट्स को ज्वाइन करना है। अपर आर्म लोअर आर्म हमारी डन है, अब बचे हैंड्स। सो हैंड्स के लिए हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला पॉइंट है हमारा, बाहर वाली लाइन है, उससे एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे 1 inches पे। सो ये मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी एक 1 inch पे, और इसी पे ही 1/2 inch का पॉइंट भी हम मार्क कर लेंगे। इस 1 inch पे ही हमने 1/2 inch का पॉइंट मार्क कर लेना है, और इस 1/2 inch के पॉइंट से हमें दोनों साइड्स पे बाहर आना है 1/4 of an inch एंड 1/4 of an inch। सो पहले एक 1 inch का पॉइंट लगाया, फिर 1/2 inch का पॉइंट लगाया, फिर दोनों साइड्स पे बाहर आ गए 1/4 of an inch। अब हमें थोड़ी सी जॉइनिंग करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम दूसरी साइड पे भी मार्क कर लेते हैं। जो बाहर वाली लाइन है उससे हम सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे 1 inch पे, इसी पे हम मार्क करेंगे 1/2 inch, और दोनों साइड्स पे, इस 1/2 inch के दोनों साइड्स पे हम बाहर आ जाएंगे। 1 1 time ही बाहर आना है, एक बार 1 side पे 1/4 of an inch, दूसरी बार दूसरी साइड पे 1/4 of an inch मार्क कर लेंगे।
अब गाइस हमें कुछ डायगोनल लाइंस लगानी है हैंड्स बनाने के लिए, सो आप इस स्टेप को ध्यान से देखना कि मैं कैसे हैंड्स बना रही हूँ। सो पहले हमने एक डायगोनल लाइन बनाई जो बाहर की तरफ आ रही है, आप चाहें तो स्केल के साथ भी बना सकते हैं। फिर दूसरी डायगोनल लाइन जो अंदर की तरफ आ रही है, सो मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, आप स्केल यूज़ कर सकते हैं। अब जो थंब एरिया है उसके लिए हम क्या करेंगे, अंदर वाली लाइन से बाहर की तरफ आएंगे, फिर हम अंदर की तरफ आएंगे पर पूरा ज्वाइन नहीं करना है, इसको हम थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि थंब हमारा छोटा होता है। सो छोटी सी लाइन अंदर की तरफ आ गई। अब उसके बाद जो शेप देनी है गाइज वो आपको देख के देनी पड़ेगी, जैसे मैं दे रही हूँ। सो ये आप चाहे तो स्केल से दे सकते हैं, चाहे तो फ्री हैंड दे सकते हैं, इजी है, बस देख के आपको कॉपी करना है और हमारा जो हैंड है वो भी डन है। सो डायगोनल लाइंस लगा के आप हैंड कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी ऐसे करेंगे, पहले बाहर की तरफ एक स्लांटिंग लाइन लगाएंगे, पॉइंट्स हमारे लगे हुए हैं उनको बस ज्वाइन करना है, फिर अंदर की तरफ की स्लांटिंग लाइन लगाएंगे, फिर दोबारा बाहर की तरफ एक लाइन लगाएंगे, और जो अंदर की तरफ लाइन लगानी है वो छोटी लगानी है क्योंकि हमारा थंब होता है छोटा। सो गाइज आप इसको देख के कॉपी कर लें। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसलिए लंबी है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कि कैसे हमें 10 हेड क्रोकी विद मेजरमेंट्स यूजिंग स्केल एंड पेंसिल कैसे बनानी है। सो आप वीडियो को पेशेंटली देख के साथ एक एक स्टेप ड्रॉ करना, सो आपकी क्रोकी जो है वो रेडी हो जाएगी। सो गाइस 10 हेड क्रोकी इज़ डन। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा किया है लाइंस लगा के, डायगोनल लाइंस लगा के, वर्टिकल लाइंस लगा के, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा के। अब आपको क्या करना है, आपको एक क्रोकी ऐसे बनानी है विद मेजरमेंट्स और एक क्रोकी ऐसे बनानी है विदाउट मेजरमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि हमें इसमें कर्व्स कैसे ऐड करने हैं, इसकी फ्लैशिंग कैसे करनी है। बाकी गाइज आई होप आपको ये वीडियो है पसंद आई होगी। दोनों क्रोकी ज़रूर रेडी रखना, फर्स्ट वाली जो है वो आपके फ्यूचर में काम आएगी और सेकंड वाली पे मैं आपको फ्लैशिंग सिखाऊंगी। सो गाइज मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।